कल वहाँ बाजार चलेंगे। गाइस मैं सोच रही थी कि नया फोन ले लूं। तू ना बस सोचती रहा कर, पिछले 2 साल से सोच ही रही है। अरे पागल है क्या, इस बार 15 लूंगी। ले ले यार। चेतना भाभी आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है, वो भी इनके साथ? चेतना तूने शादी कब कर ली, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? हाँ क्यों बताएगी, तेरे फंक्शन में आ जाते ना, हल्दी मेहंदी संगीत इन सब में भी शायद हम तहलका मचाते, इसलिए हमने बताया ही नहीं। अरे पागल हो क्या, मैं शादी करूंगी और तुम लोगों को नहीं बताऊंगी? देख चेतना मुझे ना तेरे कोई बहाने नहीं सुनने, अब तूने शादी कर ली तो हमें पार्टी चाहिए चाहिए। अरे नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई है, ये मेरे बॉयफ्रेंड की बहन और माँ है। अच्छा तभी ये तुझे भाभी बोल रही है। अरे बेटा ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? अबे बुढ़िया तेरे कितनी बार बोला है मुझे रोका टोका मत कर, मेरी मर्जी मैं कुछ भी पहनूं। तेरी बात ना सिर्फ आकाश के सामने मैं सुन सकती हूँ, समझ आ गई? तेरे को बहुत बार समझाया है मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं, और ऐसे कपड़ों से क्या मतलब है तेरा, महंगे कपड़े है ना, क्योंकि तेरे को और तेरी बेटी को देख के लग रहा है कि सस्ते 100-200 रुपए वाले कपड़े पहनते हो तुम। तेरे को पता भी है कि कितने महंगे कपड़े हैं ये, तुम्हारे पूरे खानदान के कपड़े जितने भी नहीं होंगे ये। अरे बेटा महंगे और सस्ते की बात नहीं है, ये हमारा संस्कार है कि हम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अच्छा तो क्या है तेरे संस्कार, पूरे कपड़े पहन के घूमू, तुम्हारी तरह एक गरीब सूट साड़ी पहन के घूमू और घूंघट भी कर लू? तुम लोग ना मुझे गाय भैंसों की तरह बांध के रख लो घर में, क्योंकि तुम लोग तो यही चाहते हो कि बहू बस घर की नौकरानी बन के रहे। भाभी ये आप कैसी बात कर रहे हो, आपने ये जो छोटे कपड़े पहन रखे ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहे आपके ऊपर, जब आप पहली बार मिले थे तो सूट पहना था और अब ये सब बहुत गंदा लग रहा है, आप ये सब मत पहना करो। मैं भी तो सूट पहनती हूँ साड़ी पहनती हूँ, मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप भी ये पहना करो। अच्छा तो तू क्या चाहती है, तेरी तरह ये गरीब भिखारन बन के घूमूं? तेरे को पता भी है कि कितना गंदा लगता है आजकल ये सूट साड़ी, आजकल लोग मॉडर्न कपड़े पहनते हैं मेरी तरह। और हाँ मेरे को ना भाभी भाभी कहना बंद कर दे, अभी शादी हुई नहीं है, समझ आ गई है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आके मुझसे बात करने की, तेरे को पता नहीं है कि तेरी औकात क्या है, अपनी औकात में रहना सीख, तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तुम लोगों से बस बात करनी पड़ती है सिर्फ आकाश की वजह से। भाभी आप भैया से इतना प्यार करते हो और भैया भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और शादी तो बहुत जल्दी हो ही जाएगी, मैंने तो आपको फर्स्ट डे अपनी भाभी मान लिया था। अरे हाँ इसलिए तो आकाश को हाँ करी थी क्योंकि कॉलेज में सबसे ज्यादा बन ठन के रहता था, स्मार्ट बन के रहता था और गाड़ी भी तो लेके आता था। अरे मैंने सोचा था बहुत पैसा होगा, मेरे सारे खर्चे उठाएगा, लग्जरी लाइफ जीऊंगी, लेकिन नहीं, जितना सोचा था उतना तो बिल्कुल भी नहीं था, छोटी सी कार लेके आता था। और हाँ मैंने उसको बोला था कि एक फोन दिला दे, लेकिन नहीं, उसको अपनी माँ और बहन की ज्यादा चिंता है, उनको पैसे देने ना तेरी पढ़ाई पे पैसा वेस्ट करना है। अरे मेरी ख्वाहिश से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तेरी पढ़ाई से, तू पढ़े लिखे कुछ बने ना बने क्या फर्क पड़ता है, दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा ही करेगी ना तू। भाभी आप एक कैसी बात कर रही है, आप तो कितनी अच्छी है, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और पढ़ाई लिखाई करके मैं बहुत बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ, इसलिए भैया मुझे पढ़ाते हैं और सारा पैसा मुझ पर इन्वेस्ट करते हैं। वही तो तेरे भाई का दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी प्यारी बहन है पढ़ना चाहती तो मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा लगाना इसको पैसा वेस्ट करना कहते हैं। अरे क्यों पढ़ना लिखना है तुझे, उसको इतने टाइम से बोल रही शादी करो, धक्का दो इसको, मेरी जिंदगी से एक बोझ कम हो, इनका क्या है कुछ सालों में तो चली जाएगी और अगर नहीं गई तो वृद्ध आश्रम छोड़ाऊंगी, क्योंकि मैं तो झेल सकती नहीं हूँ ये सब कुछ। भाभी हम माँ के बारे में से कैसे बोल रही हूँ, आपको कितना प्यार करती, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं इनके लिए वैसे आप हो इनके लिए। अरे तो मुझे प्यार चाहिए भी नहीं, तुम लोगों को कितनी बार बोला है, और वैसे भी मेरे को तुम लोगों से बात करने में इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि तुम लोग की औकात नहीं है, ना तुमको तैयार होना ढंग से आता है, ना कुछ करना आता है, ना बन सकते हो कुछ तुम लोग, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है मेरे आगे, मेरे को सिर्फ आकाश और उसके पैसों से मतलब है, मुझे तुम लोग के प्यार से कोई मतलब नहीं है, जब तक आकाश मुझे पैसे देता रहेगा ना तब तक मैं खुश रहूंगी। भाभी भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हर खुशी देंगे, लेकिन आप ऐसे खाली पैसा पैसा मत करिए, हम भी तो हैं, हम भी आपका परिवार हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य बन चुके हो। तुम लोगों के परिवार का सदस्य, अरे तुम लोगों ने देखा भी अपने आप को, क्या पहनते हो, कहाँ रहते हो, मैं तो कभी भी ऐसे नहीं जी सकती। आकाश को तो मैं बोल दूंगी कि मेरे को बहुत महंगा घर चाहिए और बहुत बड़ा महंगी कार चाहिए, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है तो उसे मैं जो बोलूंगी ना वो ही करेगा, तेरे को किसी के यहाँ पे शादी करके फिकवा देंगे,
और इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम छोड़ेंगे, फिर क्या, मैं, वो और उसके पैसे। वैसे भी उसको मैंने ना अपने प्यार के जाल में बहुत अच्छे से फंसा रखा है, वो मेरी सारी बातें मानता है। तुम लोग उसके लिए अब कुछ भी नहीं रह गए। चेतना, आकाश पागल वागल है क्या? इसे पराए घर जाना है, पता नहीं कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, इतने पैसे बर्बाद कर रहा है इसके पीछे। तूने गाड़ी मांगी, कितने मजबूरियां गिनवा दी उसने। सच में चेतना, तूने आकाश के घर वालों को देखा है? अगर तू इनके वहाँ गई ना शादी करके, तो तुझे भी अपनी तरह बना देंगे। और आकाश की क्या बात कर रही है, वो तुझे पैसा खर्च करता है। अगर पैसा खर्च करता होता ना, तो तुझे एक डब्बा नहीं दिला के देता, एक अच्छी सी गाड़ी देता गिफ्ट में। और पता नहीं चेतना, तेरी आंखों में मोती बिंद हो गया था कि तुझे मैं नहीं दिखा और वो दिख गया। आप कैसी बात कर रहे हो भैया, ये मेरे भाई की बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत यादें जुड़ी है, इसलिए तो भैया ने भाभी को ये गिफ्ट किया, उनके सबसे प्यारी चीज उनकी जिंदगी की ये गाड़ी। तेरे भैया ने भी ना गाड़ी तेरी तरह ही दी है, इसके भी दांत बाहर ही निकले रहते हैं हमेशा। अपने दांत देख और इसके दांत देख, बिल्कुल सेम, बड़ी बहन लगती है तेरी। अरे यादें जुड़ी है तो क्या, ये डब्बा दे देगा, उसका लेवल देख और अपना लेवल देख। मुझे तो तुम दोनों ना शक्ल से काम वाली लगती हो, दो चार घर में तो काम कर ही लेती होगी, कितने कमा लेती हो, 2-4 हजार रुपए। एक काम करो, मेरा घर भी पकड़ लो, मैं कम से कम 5-6 हजार रुपए तो तुम्हें दे ही दूंगी। चेतना, तू कहां उस आकाश के पीछे पड़ी है, झिंगुर जैसी तो उसकी शक्ल है, लप्पू जैसी उसकी अकल है, उसको छोड़ कोई अमीर पटा, मैं होती ना मैं तो उसको कब का छोड़ देती। अरे तेरी तो शक्ल सूरत भी इतनी अच्छी है ना कि तुझे उससे ज्यादा पैसे वाला मिल जाएगा। और उसकी माँ और बहन को देख, बिल्कुल भी ड्रेसिंग सेंस नहीं है इन दोनों को। एक काम करो, मेरे साथ मॉल चलो, तुम्हें कुछ दिला दूंगी मैं, फ्री में वो भी। भाभी यहाँ पे कैसे दोस्त है, भैया की भी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी भी, हमारी तो चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे भैया की बेइज्जती मत करो, मेरे भैया बहुत अच्छे, लाखों में एक है। अरे बस अपना मुंह ना बंद रख, गलत क्या कह रही है वो, सही तो कह रही है, और मेरे दोस्तों के बारे में बुरा भला बोलने की सोचो भी मत। बिल्कुल सही कह रही है वो, तेरे भाई की कोई औकात नहीं है, देखने में भी कोई ढंग का है नहीं, और मैंने सोचा था कि बहुत अमीर होगा, लेकिन नहीं, अमीर भी नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कोई दूसरा लड़का फंसा लूं, अमीर, जो तेरे भाई से बहुत अमीर और मेरी ख्वाहिशें पूरी तो कर सके, उसकी कुछ तो औकात हो। अरे चेतना, अपना अजगर है ना, कितना पैसे वाला है। भाभी आपने सोचा भी कैसे, आप मेरे भाई को छोड़ दोगे और आप दूसरा लड़का पटा लोगे, प्लीज ऐसी गंदी बातें मत करो और ऐसा सोचो भी मत, सपनों के ख्यालों में भी मत लाना ऐसा, कि आप मेरे भाई को छोड़ोगे, वो कितना प्यार करते हैं आपसे। अच्छा तो तू क्या चाहती है, मैं अपनी जिंदगी नरक कर लूं तेरी तरह, है ना, तुम्हारी तरह एक गरीब घटिया से कपड़े पहन के घूमूं, तुम्हारी तरह वो छोटे से घर में रहूं? नहीं, मेरी ना बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी इच्छा है, लग्जरी लाइफ जीनी है मुझे, बड़ी कार में घूमना है, वर्ल्ड टूर करना है, और तेरा भाई वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, तेरे भाई की उतनी औकात नहीं है। और हाँ बहन जी, वो सपनों में नहीं, वो रियल लाइफ में सोच रही है कि तेरे भाई को छोड़ दे, वो पता नहीं जिंदगी नर्क बना के रख देगा, शादी के बाद घरों में काम करना पड़ेगा जैसे तुम लोग करते हो। आप कैसी बात कर रही हैं, आप रोकते क्यों नहीं इनको, हम कोई घरों में काम नहीं करते, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छा घर है हमारा। अरे हाँ अंकिता, ये घर के काम थोड़ी करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, ये उन लड़कियों में से है जो बस बैठ के खाना चाहती है, अपने भाई की कमाई पे बस ऐश करना चाहती है, इसको समझ नहीं आती कि इसका भाई जो भी कमा के लाता ना वो मेरे लिए लेके आता है, ना कि इसके लिए। और इसकी माँ और ये बैठे रहते हैं घर में, इसकी पढ़ाई पे खर्चा होता है, हर दूसरे दिन बोलती है ये किताब चाहिए, उस कोर्स की किताबें चाहिए, और दूसरी है बुढ़िया, इसकी तो बीमारियां ही खत्म नहीं होती, हर दूसरे तीसरे दिन बेड पे पड़ जाती है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ, और आकाश के चक्कर में मेरे को झूठी सेवा भी करनी पड़ती है। अरे इस बुढ़िया ने तो अपने पैर तक दबाए थे मुझसे, जिंदगी में कभी घर का काम नहीं किया मैंने, अरे मेरे पापा ने इतने नाजों से पाला है मुझे, जो मैंने मांगा उस वक्त ला के दिया, कभी मेरी किसी भी ख्वाहिश के लिए मना नहीं करा, और ये लोग चाहते हैं कि मैं घर में नौकरानी बन के रहूं, सूट साड़ी पहनूं और बस घर में पड़ी रहूं। अरे इस बुढ़िया को तो इस चीज से भी दिक्कत होगी कि मैं बाहर जाके काम कर लूं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, हम लोग भी तुमसे प्यार करते हैं, हमें अपने बच्चों की खुशी में खुशी है, हम तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं बेटा, तुमसे हमारी खुशियां हैं। अच्छा तो तू ये चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो ऐसा कर अपने बेटे को अपने मुंह से ही बोल दे कि तू जाके वृद्धाश्रम रहेगी, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं तो तेरी पूरी जिंदगी सेवा कर नहीं सकती, ना तेरी बेटी को संभाल सकती, मैं बस इतना चाहती हूं कि घर में मैं और सिर्फ वो रहे, क्योंकि मुझसे फैमिली के ना इमोशनल ड्रामे झेले नहीं जाते जो तुम दोनों अभी कर रहे हो, मेरे लिए ना तुम दोनों की कोई औकात नहीं है, मुझे तेरे भाई के पैसों से मतलब है, समझ आ गई ये बात। भाभी आप मेरे घर की लक्ष्मी हो, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, और मेरे भाई ने आपको किस चीज की कमी छोड़ी, आपको जहाँ से चाहो वहाँ से शॉपिंग कराई, आपको जो चाहो वो दिया, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, आपको किसी चीज में कोई कंजूसी नहीं करी, आप क्यों मेरे भाई को इतना बुरा भला बोल रहे हो। और तो उसने ना कुछ एहसान नहीं किया है,
मुझे अच्छी जगह शॉपिंग करा के या मुझे गाड़ी गिफ्ट करके, ये ना उसकी जिम्मेदारी है। और हाँ, वैसे भी वो कॉलेज में इतना शो ऑफ करता घूमता तो है कि उसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है जो इतनी अच्छी दिखती है और उसकी औकात से बहुत बाहर है, तो इक्वली है ना वो मेरी ख्वाहिशें पूरी करे और मैं उसके साथ घूमूं। और वैसे नहीं, अब मैं ना तुम दोनों को झेल नहीं सकती, ना उसको झेल सकती। मैंने सोच लिया, मैं ना अब कोई अमीर लड़का फंसाऊंगी और तेरे भाई को छोड़ दूंगी, क्योंकि अब मैं उसके साथ तो रह सकती नहीं और अब उसके बस की भी नहीं है कि मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो ठीक है ना, मैं अपने बारे में सोचूंगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचूंगी, उससे भी बहुत अमीर लड़का फंसाऊंगी और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जीऊंगी। भाभी प्लीज आप ऐसा मत करो, मेरे भाई का दिल टूट जाएगा, वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए मैं बहुत प्लानिंग कर रहे हैं वो आगे फ्यूचर के लिए, और मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं पढ़ लिख कर अपनी जॉब करूंगी अच्छी सी। अरे दिल टूटता है तो टूटे, मेरी बला से कल का मरता आज मरे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता है और मेरी अच्छी लाइफ से फर्क पड़ता है, समझ आ गई है। और हाँ, अब मैं ना तुम लोग की बकवास नहीं सुनूंगी, तुम लोगों ने वैसे ही मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत इंसल्ट करवा दी है, तो चुपचाप निकलो यहाँ से। अरे बेटा ये क्या बोल रही है तू, मेरे बेटे को पता लगेगा तू क्या सोचेगा वो तेरे बारे में। अच्छा कौन बताएगा तेरे बेटे को, तू बताएगी ना। अरे कोई माँ भी नहीं सुन सकती अपने बेटे के लिए ये सब। तेरी फेवरेट कार, ये कौन? आकाश। दीदी यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा वो भाई आप आगे, इनकी हकीकत। अरे आकाश तुमने ये कार कब ली? तुमको पता है ना कि मेरी ड्रीम कार है। आज माँ का जन्मदिन है इसलिए माँ के लिए लेकर आया हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज तो मम्मी जी का बर्थडे है ना, तो चलते ना किसी बड़े से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करते हैं। और ये नई कार लाए तुम मेरे लिए लाए हो ना, तो इसमें राइड तो कराओ। हाँ वैसे भी जो मेरा और माँ का है वो तुम्हारा है ही, और पहले एक छोटी सी पूजा कर लेंगे घर पे, उसके बाद चलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ ठीक है। भाई आप इनके साथ जाओगे? अगर आप इनके साथ जाओगे तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। इन्होंने जो इंसल्ट मेरी करी वो तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन माँ की और आपकी करी वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसी ननद है तुम्हारी, तुम्हारा घर तोड़वाने के पीछे पड़ी हुई है। शर्म करो कि अपने भाई का घर बर्बाद कर रही हो तुम। हाँ रूबी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो तुमको और मम्मी जी को कितना प्यार करती हूँ, और आकाश को भी तो इतना प्यार करती, इतनी इज्जत करती हूँ सबकी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहती हूँ, और तुम हमारा प्यार तोड़वा रही हो, इस परिवार को तोड़ रही हो, प्लीज ऐसा मत करो। अरे बेटा इस लड़की ने बड़ा बुरा बिहेव किया हमारे साथ, क्या कुछ नहीं बोला इन्होंने तेरे लिए, तेरी बहन के लिए या तेरी माँ के लिए, ये हमारे घर की बहू बनने के लायक है ही नहीं। अगर ये सब नहीं होता ना तो आज हमें पता भी नहीं लगता कि ये लड़की कैसी है। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये सब होने पर हमें इसकी असलियत तो पता लगी। हाँ भाई हमें कोई टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपने हमें मिलवाया और बताया तो हम बहुत खुश हो गए चेतना को देखकर कि हमारे घर की बहू बन जाएगी, मेरी भाभी बन जाएगी, लेकिन नहीं, इन्होंने तो शुरू से हमसे इतनी नफरत करी कि क्या कुछ नहीं बोला, मैं सब कुछ नहीं बता सकती, बाकी आप खुद समझदार हो। चेतना ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं आकाश के सामने, अभी तो खुद कह रहे थे कि तेरी और आकाश की जोड़ी अच्छी नहीं लगती, मैं कभी शादी नहीं होने दूंगी। चुप कर, सब पता है मुझे कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और वैसे भी मेरी माँ ना ऐसी छोटी सी बात के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकती, आखिर मेरी माँ को क्या मिलेगा झूठ बोलकर। आकाश तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मम्मी सच्ची में झूठ बोल रही है, उन्होंने मुझे बस ये छोटे कपड़ों में देख लिया तो बोलने लगी कि मेरी बहू तो सूट में रहेगी घूंघट में रहेगी, और मेरे को तो ये बोला कि अपने गाँव में कोई लड़की ढूंढ के रखी है और उसे तेरी शादी कराएगी, और मेरे को यही बोला कि रिश्ता तोड़वा देगी। मैं तब से समझाने की कोशिश करूँ कि नहीं मम्मी जी आप बोलोगे तो मैं वही कपड़े पहनूंगी, तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है तो मेरी बात का विश्वास करो। जिस औरत की लव मैरिज हुई हो, अपने जमाने की फैशन आइकन रही हो, वो किसी लड़की को सिर्फ इस बात पे छोड़ देगी कि वो छोटे कपड़े पहनती है? मेरी माँ को समझाने की जरूरत नहीं है फैशन सेंस क्या होता है और संस्कार क्या होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ कपड़ों से कभी किसी को जज नहीं करती है, अपने जमाने में वो भी एक मॉडल रह चुकी है। आकाश तो मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रही हूँ, वो किसी और लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है, तो जानते हो तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, और मेरे दोस्त भी तो हैं, वो बताएंगे तुम्हें। हाँ आकाश ये बिल्कुल सही बोल रही है, आपकी माँ और बहन झूठ बोल रही हैं। शर्म आती है तुम लोगों को? अरे तुम्हारी भी माँ बहन होगी, कल को कोई उनकी बेइज्जती करेगा तब भी तुम लोग ऐसे चुपचाप सुनोगे? अब तो उसका साथ छोड़ दो, उल्टा उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं आकाश ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो समझ रहे हो। मुंह बंद करो। बस मैं इतना ही कहूंगी भाभी, ओ सॉरी चेतना मैम, आप बस गाड़ी की चाबी दे दीजिए, ये आप डिजर्व नहीं करती, वो मेरे पापा की एक आखिरी निशानी थी जिसे हम बहुत प्यार करते थे दोनों बहन भाई, लेकिन आपने तो उसको भी खटारा बोला और क्या कुछ नहीं बोला,
इधर लाओ। तुम लोग है ना इसके लायक नहीं हो, और इसके तो क्या तुम लोग एक साइकिल के भी लायक नहीं हो। अरे जिस इंसान के अंदर समझ ना हो कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, वो इंसान मेरे घर की बहू बनना चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आकाश प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुमको झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, हम ना घर चल के बात करते हैं। मैं मम्मी जी को समझाऊंगी, रूबी को भी समझाऊंगी, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, खुश परिवार की तरह रहेंगे। कौन सा घर? यहाँ से ना सीधा जाके 12 नंबर की बस आती है, उसमें बैठना, गुलाबी टिकट लेना और अपने घर निकलना, क्योंकि तुम्हारी इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है, समझी? और रही बात सच या झूठ की, तो मेरी माँ ना अगर झूठ भी बोलती ना तो भी मैं उसे सच समझता, लेकिन मेरी माँ कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। नहीं आकाश, तेरी बहन और तेरी माँ बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये लड़की ना तुझे डिजर्व नहीं करती है, ये धोखा देने वाली लड़की है, गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। तू तो चुप रह, मेरी माँ बहन की बेइज्जती हो रही थी और तू तमाशा देख रहा था, तू तो दोस्त होता था मेरा। अरे भैया क्या दोस्त, इन्होंने तो मेरी शक्ल और मेरी बॉडी को इस गाड़ी से कंपेयर करा कि इसकी हेडलाइट मेरी जैसी है या मेरी शक्ल जैसी। शर्म आनी चाहिए भाई आपको, आपकी भी कोई बहन होगी, अगर कोई उसकी भी ऐसी बेइज्जती करे तो क्या आप खड़े होकर ऐसी तमाशा देखोगे या उसमें हंस खेल कर और खिल्ली उड़ाओगे? तू मेरी बहन की शक्ल गाड़ी से कंपेयर करता था? कभी तूने आईना देखा है? बंदर लगता है, बंदर तो छोड़, गोरिल्ला लगता है तू, गोरिल्ला। अगर रात में दांत दिखाएगा ना तो हेडलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे आकाश तुम किसकी बात पे विश्वास करो, तुम जानते दो किसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था और तुम्हें हाँ किया था, तो बस ये आग लगा रहा है हमारे बीच में। अभी भी शर्म नहीं आ रही ना तुम्हें? झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। अरे तुम्हारी ऐसी गोल्ड डिगर लड़की ना मैंने आज तक नहीं देखी है। आखिर मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया? किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारे कहने से पहले ना तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे हाथ में आ जाती थी। मेरी माँ और मेरी बहन समझाती थी कि अगर उसे तुझसे प्यार होता ना तो कभी वो किसी महंगी चीज की डिमांड ना करती, लेकिन मैं ये कहता था कि प्यार में बोल रही है इसीलिए मैं तेरे लिए सब कुछ लेकर आता था, लेकिन आज तूने अपना असली रंग दिखाई दिया कि तू किस हद तक गिरी हुई है। भाई चलो यहाँ से, इनसे कोई बात करने का फायदा नहीं है, ड्राइवर को भेज के हम गाड़ी घर बुलवा लेंगे। आकाश, 12 नंबर की बस से आ जाइए, बोला ना तेरे को गुलाबी टिकट लेकर। आकाश, आकाश, आकाश प्लीज मेरी बात